गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों आज हम एक नया वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं जो कि यह वैकेंसी है DRDO। जी हाँ दोस्तों, ये DRDO का वैकेंसी है और ये अप्रेंटिस वैकेंसी है। तो इसमें कोई भी एग्जाम फी नहीं है और ना कोई एग्जाम चार्ज देना है। ये डायरेक्ट बहाली है और डायरेक्ट ये मेरिट बेसिस पर बहाली है। साथ में इसकी योग्यता की बात किया जाए तो योग्यता मैट्रिक प्लस ITI पास होना चाहिए। और एक चीज और जान लीजिए, क्योंकि अभी के डेट में जो भी वैकेंसी निकल रहा है, रेलवे का भी जो निकलता है, उसमें अगर अप्रेंटिस वाले फॉर्म भरते हैं तो उनको सबसे ज्यादा प्रीमियम मिलता है। इसलिए ये अप्रेंटिस वैकेंसी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर देंगे, क्या योग्यता होना चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए और हमको कैसे कैसे वैकेंसी को भरना है। तो इन सारी बातों को हम एक ही वीडियो में पूरी की पूरी बताते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अभी तक बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो उसे दबा दें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे एक लाइक कर दें, साथ में आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए भी हेल्प होता है। तो चलिए, और एक चीज और दोस्तों, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां से आपको पर्पल की अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए डायरेक्ट हम आपको ले चलते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए और कितनी सीट, किस ट्रेड वालों के लिए कितनी सीट है, सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है DRDO, जो कि कहाँ से लेके आया है, कंचन बाग हैदराबाद से निकला है। और ये किसके वाले के लिए है, यानी 24-25 के लिए अप्रेंटिस होगा। और ये अप्रेंटिस कितना दिन का होगा, एक साल का, जो कि DMR के तलब से निकला हुआ है। अब इसमें सीट की बात किया जाए तो सबसे पहले देख लेते हैं सीट, जहाँ तक है फीडर वालों के लिए यहाँ सीट है 20 गो, टर्नर वालों के लिए 8 सीट है, मशीनिस्ट वालों के लिए 16 सीट है। उसके बाद और आगे देख लेते हैं, आगे सीटें बताया गया है, वेल्डर वालों के लिए 4, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 12 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 4 सीट है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा वालों के लिए सबसे ज़्यादा इसमें सीट है 60 गो, कारपेंटर वालों के लिए 2 है, बुक बाइंडिंग वालों के लिए, बाइंडर वालों के लिए कितना है, तो 1 सीट है। इसका जो वेबसाइट है, जो कि इस वेबसाइट पर आप जा करके आराम से देख सकते हैं, जो कि दिया है www.drdo.gov.in पर जा करके आप देख सकते हैं। साथ साथ एक चीज़ और जान लीजिए, ये कौन से के तहत है, एक्ट 1961 एंड 1992 एंड एक चीज़ और जो है यह है 2015 यानी 2015 के तहत ये लिया गया है। उसके बाद और देख लेती है इसमें और क्या क्राइटेरिया है, आपके क्या होना चाहिए। योग्यता में अगर बात किया जाए तो योग्यता आप या तो NCVT से या तो SCVT से, किसी से भी अगर आप ITI पास हों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके पहले आप क्या है, कैंडिडेट इंटरेस्टेड अप्लाई शुड फिल द गूगल फॉरम अप्लीकेबल एट द लिंक, ये जो लिंक दिया हुआ है, इस ये गूगल फॉरम है, इस गूगल फॉरम को क्या कर देना है, यहाँ पे देख लीजिए, कंप्लीशन ऑन रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन के बाद इसको कंप्लीट करना है गूगल फॉर्म को, जो कि ये गूगल फॉर्म दिया हुआ है जो कि अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड यहाँ से है, करना है रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है गूगल फॉर्म में ताकि आपको पता चले। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो जो चीज़ आप यहाँ एक बार वेरीफाई कर दीजिएगा, वही चीज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाएगा। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कैरेक्टर मांगा जाएगा, उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मैट्रिक का कैरेक्टर जो कि आप स्कूल से पास किए थे, अगर सिविल सर्विस में है तब तो उसके लिए, नहीं तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक का पासबुक चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए और OBC, अगर OBC को आप कंसिडर करते हैं यानी OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका OBC का सर्टिफिकेट चाहिए, या तो फिर अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो SC ST का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद एक चीज़ और कहा गया है, अगर आप वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो आपको कोई भी रास्ता में TADA यानी कोई भी भत्ता एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जहाँ तक इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट की बात किया जाए तो इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है 31 मई 2024, और ये फॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है ये 1 मई 2024 से स्टार्ट हो चुका है, यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। तो जितना जल्दी हो सके अगर आप इसके लिए बिलोंग कर, क्योंकि ये दोस्तों आपको रेलवे के एग्ज़ाम में अप्रेंटिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रेंटिस के बिना कट ऑफ सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा चला जाता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो, अगर आप ITI किए हुए हैं साथ साथ अप्रेंटिस किए हुए हैं तो कम नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको यहाँ से लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। जय हिंद।